शिष्य विज्ञान और तक संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर। भगवान शंकर यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्राण में। सभी संतों से सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहाँ बोली है जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है जो असंख्य दीपों से सुसज्जित समय उज्जैन के क्षण क्षण में पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, अष्ट मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां हैं और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। पहला चरण पूरा हुआ है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है पूरा होने की संभावना उम्मीद जताई को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है। पुष्पांजलि।